ऑलराइट, तो यार लास्ट वाली वीडियो के अंदर जो है मैंने बताया था कि नाइट मोड को तुम कैसे ऑन कर सकते हो इंडियन बाइक 3D गेम के अंदर, एंड वहां पे मैंने बताया था कि यार आप जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी को कैसे ले सकते हो। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो यहां पे मैं बता देता हूं कि फायर ब्रिगेड गाड़ी को लेने के लिए सिंपल से तुमको टाइप करना होगा 606। ओके, तो यहां पे मेरा सर जो है अटक गया है भाई। अरे भाई निकल जा। ओके, तो ये जो है निकल चुका है, एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कि भाई यार ऐसा कुछ हमारा जो है फायर ब्रिगेड का गाड़ी देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर भी बताया था कि यार ये गाड़ी जो है कुछ काम का नहीं है, बस तुम इसे चला सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं पे आग लग गया तो तुम इसको लेकर के आग बुझाओगे, ऐसा कोई सीन नहीं है इस गेम के अंदर। एंड अब बात करते हैं हमारा जो ट्रक का ट्रॉली आने वाला था उसका चीट कोड क्या है। तो गाइस यार देखो यार, नॉर्मली हम ट्रक को जब हम लेते थे उस टाइम पे हम सिंपल से टाइप करते थे 12-12, ठीक है, 12-12 टाइप करते तो हमारा जो है ट्रक है वो आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये वाला ट्रक जो है आ जाता था, एंड यहाँ पे भी आ गया है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर तुमको ट्रॉली वाला ट्रक चाहिए तो तुमको टाइप करना होगा क्या, वो तुम्हें बताऊँगा। पहले तो यार ये देख लो, ये इसका लुक कुछ ऐसा है। एंड अब बात करते हैं कि ट्रॉली वाला ट्रक के लिए तुमको 0-12-12 टाइप करना होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे तुम कॉलिंग बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कुछ ऐसा कुछ लुक देखने को मिलता है, कंप्लीट लुक भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देख सकते हो ऐसा कुछ जो है हमें ट्रॉली देखने को मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे भाई मतलब देखने में मतलब सही लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ ठीक ठाक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा चला करके देखेंगे एंड देखने वाले हैं कि अरे इसका जो क्या एक्सपीरियंस रहता है चलाने के बाद। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल से बैठ जाते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा चला करके देखेंगे तो कम्प्लीटली लुक गाइस यार ऐसा तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम चला करके देखते हैं। एंड ये जो है भाई मेरे हिसाब से जो मुझे लगा था पहले कि यार ये व्हीकल को हम ज़्यादा स्पीड में नहीं चला पाएंगे, रीज़न ये है कि भाई ट्रक है, बहुत लंबा इसका ट्रॉली है, तो अगर स्पीड हम चलाते तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगा, तो इसे हम उतना ज़्यादा स्पीड में नहीं चला पाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी और एक चीज़ मैं तुम सबको पूछना चाहूँगा कि भाई तुमको यार इन दोनों व्हीकल में से कौन सा व्हीकल जो है बेस्ट लगा है, क्योंकि यार ट्रक तो पहले से था, बस खाली ट्रॉली लगा हुआ है अभी, तो इन दोनों में से यार कौन सी चीज़ जो है तुमको बेस्ट लगी है भाई कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2-3 घंटे के बाद फिर से और एक नए वीडियो में। बाय।